दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाइलोन आइडल साइनस के बारे में। ये नाम काफ़ी कम आपने सुना होगा या किसी किसी ने तो नहीं भी सुना होगा, लेकिन ये भी एक बीमारी एनोरेक्टल पैथोलॉजी के साथ ही मानी जाती है, यानी हमारे पास ही इसके लिए पेशेंट आते हैं। तो पाइलोन आइडल साइनस ये अपने कूल्हे के पीछे के फोल्ड में यानी बीच के फोल्ड में बनने वाली एक बीमारी है। ये साइनस इसलिए रहता है कि इसका ओपनिंग एक साइड में रहता है यानी स्किन के साइड में रहता है, इसका दूसरा अंदर का ओपनिंग कहीं पे भी नहीं रहता। जैसा कि फिस्टुला में होता है, फिस्टुला हम तभी बोलते हैं जब एक ओपनिंग स्किन की तरफ रहता है और दूसरा ओपनिंग एनल कैनल में रहता है। जब ये दो ओपनिंग के बीच में कोई ट्रैक्ट बनती है तो उसको हम फिस्टुला कहते हैं, और अगर कोई भी एक ही ओपनिंग बनती है और दूसरे साइड में कोई ओपनिंग नहीं रहती तो उसे हम साइनस कहते हैं। तो ये पाइलोन आइडल साइनस है और यही एक मेन डिफरेंस है फिस्टुला और साइनस के बारे में। इस साइनस के इन्फेक्शन की वजह अपने खुद के बाल ही रहते हैं, यानी पेशेंट के जो हेयर्स है कूल्हे के ऊपर जो हेयर्स ग्रो होते हैं वो मिडल के फोल्ड में यानी मिडलाइन फोल्ड में फंस जाते हैं, दब जाते हैं प्रेशर की वजह से, और उस वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन होके स्किन के अंदर से इन्फेक्शन जाता है और स्किन के अंदर पस जमा होता है। स्किन के अंदर पस जमा होने से कुछ दिन के बाद वो पस एक बारीक छेद से या फिर जहाँ से इसके बाल का इन्फेक्शन अंदर गया उसी बाल के रास्ते से बाहर निकलने लगता है और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एक दो बूंद ऐसे निकलते रहता है। इसी को हम पाइलोन आइडल साइनस कहते हैं। जबकि फिस्टुला में ये जो पस है वो लैट्रिन के यानी एनल कैनल के मार्ग से जो लैट्रिन निकलती है बाहर उसके इन्फेक्शन से होता है। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों में। तो पाइलोन आइडल साइनस का लैट्रिन से कोई संबंध नहीं होता है, ये केवल और केवल शरीर के बाल का इन्फेक्शन होने की वजह से होता है। पाइलोन आइडल साइनस का भी ट्रीटमेंट अगर आप देखेंगे तो ये फिस्टुला जैसा ही है, यानी इसमें भी दवाई का कोई रोल नहीं है, इसमें भी दवाइयाँ नहीं दे सकते, दवाई से कोई इलाज नहीं होने वाला, इसको भी ऑपरेशन करना ही पड़ता है। अगर कोई कहेंगे कि हम दवाई से ठीक कहते हैं तो ये भी एक गलत बात ही साबित होंगी। पाइलोन आइडल साइनस में कौन सी चीज़ें मेन है जो पाइलोन आइडल साइनस बनता है ये देखते हैं। सबसे पहले तो मोटापा, यानी जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, जिनकी चर्बी बहुत ज़्यादा है, जो बैठने से उनके कूल्हे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, ऐसे पेशेंट में अत्यधिक प्रेशर की वजह से बाल दब जाते हैं और बाल दबने की वजह से बाल का घर्षण होता है, बाल के छोटे छोटे टुकड़े होता है और बीच के फोल्ड में बाल के छोटे छोटे टुकड़े जमा हो गए, उसका इन्फेक्शन बनता है, वो चमड़ी के अंदर जाता है और ऐसे वहाँ से पस बनने की शुरुआत होती है। तो ये मेन की रीज़न है पाइलोन आइडल साइनस बनने का, उसमें से एक है मोटापा। दूसरा है लॉन्ग स्टैंडिंग सिटिंग, यानी बहुत देर तक जो काम करते हैं। जनरल ये अक्सर ड्राइवर के कम्युनिटी में पाया जाता है, यानी जो ड्राइवर एकदम ऑल ओवर इंडिया घूमना चाहते हैं या घूमते हैं उनमें ये अक्सर पाया जाता है, क्योंकि उनको चार चार पाँच पाँच घंटे कंटिन्यूस गाड़ी चलाना पड़ता है, उनके लैट्रिन की जगह पे काफ़ी प्रेशर आता है और उनके अगर पहले से बाल भी है तो ये बिल्कुल उनको होने के चांसेस है। तो ये दो मेन रीज़न है पाइलोन आइडल साइनस बनने के। बाकी भी रीज़न रह सकते हैं, ऐसा पाया गया है कि कोई भी बालों से शरीर के बालों से इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कभी कभी तो ऐसा है कि कोई कोई मरीज को ज़्यादा बाल नहीं रहते हुए भी पाइलोन आइडल साइनस होते हुए हमने देखा है, लेकिन अक्सर ये जिनको ज़्यादा बाल है, जो बहुत ज़्यादा अधिक मोटे हैं या जिनको बहुत ज़्यादा देर तक एक ही जगह पर बैठ के काम करना पड़ता, ऐसे लोगों में पाइलोन आइडल साइनस बनता है। ये कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है, इससे आपको जान का कोई खतरा नहीं होता, ये लोकलाइज बीमारी है, इससे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत अच्छे से सर्जरी से ठीक हो सकती है। केवल इसके सर्जरी के टाइप काफ़ी अलग है, कौन से टाइप का सर्जरी आपके इसमें करना पड़ेगा इसके ऊपर इसका खर्चा है और इसका कितने दिन में उपचार होना संभव है ये डिपेंड है। तो अगले वीडियो में अपन बात करेंगे पाइलोन आइडल साइनस के ऑपरेशन के बारे में, क्योंकि उसमें भी काफ़ी टाइप्स के सर्जरी है जो आपको एक एक करके समझाना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि पाइलोन आइडल साइनस के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके सर्जरी के बारे में। लाइक करना ना भूले और अगर चैनल पे नए हो तो एक बार
सब्सक्राइब करने की बटन दबाने की कोशिश करें। धन्यवाद। थैंक यू।